क्वेश्चन है, कह रहा है लेट ए बी सी डी ई एम बी अ रेगुलर हेक्सागोन इफ ए डी वेक्टर ए डी इज इक्वल टू एम टाइम्स वेक्टर बी सी एंड वेक्टर सी एफ इज इक्वल टू एन टाइम्स वेक्टर ए बी देन व्हाट इज एम टाइम्स एन इक्वल्स टू। अब आप देखिए ये हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन है तो इंटरनल एंगल का मेजर क्या होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगोन में n माइनस टू टाइम्स पाई अपॉन n, यहाँ n इज इक्वल टू 6 है तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर 4 पाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर 6 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 जो कि 120 डिग्री के बराबर, हर एंगल 120 डिग्री होगा। अब आप यहाँ से ऐसे हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पहला एक्सप्रेशन ए डी वेक्टर ए डी इज इक्वल टू एम टाइम बी सी, ठीक है। अब आप देखिए 120 डिग्री ये है, ये भी 120 डिग्री है तो ये भी 120, दोनों देख रहे हैं इस लाइन के अकॉर्डिंग सिमेट्री है इस लाइन के अलोंग, तो ये 60 डिग्री ठीक है, ये 60 डिग्री आपका और ये भी 60 डिग्री ठीक। अब आप यहां से क्या करो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करो ठीक, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये इसको अगर हम एक से ज़ूम करें तो ये अगर इसको एम करें तो ये डीएम कितना हो जाएगा एक्स कॉस 60 एक्स बाय 2 इसे कर लिए, ये भी एक्स बाय 2 और ये आपका लेंथ रेगुलर पॉलीगॉन में ये लेंथ x तो ये भी x तो ये x, टोटल ये AD आपके पास क्या हो गया x by 2 plus x plus x by 2 which is equal to 2x और आपके पास BC कितना है आपके पास x है is equal to 2 times BC तो AD is equal to 2 times BC इसका मतलब m हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया ठीक। BC B से C की तरफ ठीक है, B से C की तरफ वेक्टर का डायरेक्शन ध्यान देना जरूरी है ठीक है, और ए डी ए से डी की तरफ दोनों का डायरेक्शन सेम है वर्टिकली डाउनवर्ड है इसलिए हमारा एम पॉजिटिव आया। अब इसका देख लेते हैं सी एफ इक्वल टू एन टाइम्स एम ए बी सी एफ, अब आप देखो ये ऐसे इसका डायरेक्शन ये हुआ ठीक, और ए बी ए बी ए से बी की तरफ सी से एफ की तरफ और ए से बी की तरफ इधर डायरेक्शन हुआ, देखो एंटी पैरेलल है तो निगेटिव आ जाएगा एन इक्वल टू हमारा निगेटिव। और आप देखो सिमिलर तरीके से ये पूरा एंगल, अब ये वाला हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम कह लो, ये 120 डिग्री ये 120 डिग्री सिमिलरली उसी तरीके से ये भी हमारा फैक्टर कितना आएगा 2 टाइम्स आएगा तो यहाँ है 2 तो m इंटू एन पूछ रहा है आपसे, m इंटू एन क्या हो गया माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ठीक है। तो इस कदर आपको सॉल्व करना था ठीक है, आप इसको भी सिमिलर तरीके से यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर लो, यहाँ से ऐसे ये x तो ये भी x ये x by 2 और ये x by 2 ये 2x ठीक है, तो इस कदर आपको सॉल्व करना था।